हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर एजुकेशन टुडे वी हैव ब्रॉट अ वीडियो दैट इज़ ऑन आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन इफ यू आर आर्मी वार्ड आर्मी वार्ड मींस इफ योर फादर इज़ इन सर्विस ऑफ एनी ऑफ द थ्री फोर्सेज ऑफ डिफेंसिस लाइक आर्मी नेवी और एयरफोर्स या फिर वो रिटायर हो चुके हैं या फिर आर्मी अगर आप के हस्बैंड आर्मी में या फिर अगर आप आर्मी विडो हैं तो इन सभी कैटेगरीज के लिए इन सारे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन बिल्कुल जो है वैलिड भी है और लीगल भी है तो अगर आप आर्मी वार्ड हैं तो इसके अलावा आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं विच आर वेटिंग फॉर यू देन वाई टू गो एंड इन फॉर प्राइवेट कॉलेजेस वैन यू आर गेटिंग द सेम क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड एजुकेशन हॉस्टल फैसिलिटीज एंड स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन आर्मी इंस्टीट्यूट ऑल्सो दैट टू इन एट वेरी रीजनेबल रेट तो प्लीज़ यू गो एंड लुक आउट एंड सर्फ आउट अबाउट दीज इंस्टीट्यूशन और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए और अपने रिलेटिव को बताइए क्योंकि इनकी इन्फॉमेशन अभी बहुत ही कम बच्चों को है तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर फादर योर मदर्स हार्ड एंड मनी इन टू दीज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन प्लीज गो एंड ऑफ फॉर दिस आर्मी इंस्टीट्यूट सो टोडे वी आर टॉकिंग अबाउट आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन टेक्नोलॉजी दैट इज़ सिचुएटेड इन बैंगलोर कर्नाटका इनके बारे में आपको कुछ फैक्ट्स बताते हैं ये जो इंस्टीट्यूट है इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन टू थाउजेंड फोर और बैंगलोर की जो नॉर्थ यूनिवर्सिटी है उससे एफिलेटेड है तो जितने भी आर्मी इंस्टीट्यूट या कॉलेजेस आपको मिलेंगे तो उनके एफिलेशन के लिए आपको वरी होने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज दे आर हंड्रेड परसेंट ड एंड पूरे वैलिड होते हैं इसके अलावा इसके अंदर बी एस सी फैशन एंड अपैरल डिज़ाइनिंग के कोर्स कराए जाते हैं जो तीन साल का होता है जिसमें सिक्सटी सीट्स होती हैं जो मोस्टली आर्मी के लिए जो रिज़र्व है दैट दो सीट्स आर फिफ्टी फोर और सिक्स सीट जो है कर्नाटका के जो सिविलियंस हैं उनके लिए रिजर्व हैं और बी एस का कोर्स भी चलता है जो थ्री इयर्स का है और इसमें भी सिक्सटी सीट्स हैं जो ये सीट्स हैं ये पर ईयर का इंटेक है मतलब एक साल में सिक्सटी सीट्स जो हैं यहाँ पे ली जाती हैं तो कंपटीशन थोड़ा तगड़ा है तो यू प्लीज़ प्रिपेयर योरसेल्फ इफ़ यू आर प्लानिंग आफ्टर क्लास ट्वेल्थ किसी अच्छे कोर्स में करने की प्लान कर रहे हैं तो ये इंस्टीट्यूट आपके लिए बेस्ट रहेगा तो आई कोर्स के लिए भी आर्मी के फिफ्टी सीट्स हैं और सिविलियन के सिक्स सीट सीट्स हैं और इसके अलावा इसमें एडमिशन का जो प्रोसीजर होता है वो ए डब्ल्यू एस के द्वारा हर साल अप्रैल मई के टाइम पे एक ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया जाता है और उस टेस्ट पे जो रिजल्ट आता है उसके मेरिट के बेस पे ही आपको यहाँ पे सीट्स पाई जाती हैं कैंपस के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है आर्मी के जो कॉलेजेस होते हैं इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो स्कूल्स होते हैं उनके कैंपस बहुत ही प्रोटेक्ट एनवायरमेंट में सेफ एनवायरमेंट रहता है डिसिप्लिन रहते हैं हाइजीनिक रहते हैं क्लीन नीट ग्रीन और स्टेट ऑफ आर्ट इनका इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है जॉब प्रोफाइल्स लोग डरते हैं कि एक्चुअली फैशन डिजाइनिंग के बाद जो है हमारे पास क्या जॉब प्रोफाइल्स रहेंगे आपको पता होना चाहिए इंडिया के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है आफ्टर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री तो आने वाले टाइम में भी देखिए आज तो छोटे मोटे जो फंक्शन होते हैं उन फंक्शंस के लिए भी जो लेडीज़ होती हैं या फिर जो जेंट्स होते हैं इवन जो छोटे किड्स होते हैं उनके लिए ड्रेसेस को डिज़ाइन करके पहना जाता है तो कोई भी ऐसे ही अपना गेटअप लेके या फिर कोई ऐसा अपना लुक लेके नहीं जाता है तो हर चीज़ के लिए डिज़ाइनर्स की ज़रूरत है तो ये कुछ आपके स्क्रीन पे मैंने आपको शेयर कर रखा है जो इस जॉब प्रोफाइल्स आपको ये कोर्सेज करने के बाद जिन फील्ड्स में आप जा सकते हैं जैसे वीएम एग्जीक्यूटिव है रिटेल स्टाइलिस्ट रिटेल एग्जीक्यूटिव फैशन कंसल्टेंट फैशन एडवाइजर सेल्स ऑप्टिमाइजर जूनियर मर्चेंडाइजर प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर जूनियर डिज़ाइनर कंटेंट राइटर फैशन स्टाइलिस्ट कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर सेल्स एसोसिएट स्टोर सुपरवाइजर असिस्टेंट स्टोर सुपरवाइज़र ये तो कुछ जॉब्स हैं जो आपको मैं दिखा पाई हूँ इसके अलावा भी आप अपना पर्सनल बुटीक खोल सकते हो लोकल लेवल पे नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट कर सकते हो अपना छोटा स्टार्टअप खोल सकते हो बॉलीवुड इतनी बड़ी इंडस्ट्री है इनफैक्ट बॉलीवुड ही क्यों हॉलीवुड भी आप जो है अगर अपने बलबूते में जा सकते हो आपके हाथ में हुनर है टैलेंट है तो आप के लिए जो है स्काई इज़ नॉट द लिमिट और उसके अलावा रीजनल लेवल पे भी आजकल बहुत सारे आ, एल्बम्स बन रहे हैं वीडियो शूट्स हो रहे हैं मूवीज़ बन रही हैं डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं यूट्यूब आ, यूट्यूबर्स जो है अपने ब्लॉग बना रहे हैं तो इन सब के लिए भी ड्रेसेस की कंटिन्यूसली रिक्वायरमेंट रहती है सो दिस इंडस्ट्री इज़ द वन इंडस्ट्री विच आई फील कि इसमें रिसेशन ज़्यादा देर तक कभी रहता नहीं है और वैसे जल्दी से इसमें रिसेशन होता भी नहीं है नेक्स्ट है फीस स्ट्रक्चर देखिए इनका पर स्ट्रक्चर पर ईयर का जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपके स्क्रीन पे है अगर आप किसी भी एक अपने लोकल एरिया के किसी भी लोकल इंस्टीट्यूट का भी अगर आप फ़ीस इनके फ़ीस के साथ कंपेयर करेंगे तो उनका फ़ीस इनके टू टाइम्स या थ्री टाइम्स हायर ही रहेगा और इसके अलावा उनके कितने सारे हिडन चार्जेस रहते हैं जो आपको एडमिशन के टाइम पे नहीं बताते हैं वंस यू इनरोल इन सच इंस्टीट्यूट देन दे एक्सपोज इट देन दे

बोर्ड ऑफ मेंबर्स बहुत ही रेप्यूट होते हैं आप देख सकते हैं इनके पोस्ट के अकॉर्डिंग दे आर वेरी डिसिप्लिन स्टाफ एक्सपीरियंस फैकल्टी वी हैव गॉड और इनका प्रोफाइल अगर आपको देखना है तो यू कैन विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट ए आई एफ डी जो अवेलेबल है और जो मैं वीडियो के लास्ट में आपको शेयर कर दूंगी इनका लिंक और तो जितने भी फैकल्टीज हैं वो अपने अपने फील्ड में बिल्कुल एक्सपर्ट हैं है ना तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फैकल्टीज़ के ना सैलरी के साथ कंप्रोमाइज़ होता है ना उनकी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होता है ऐसा नहीं कि आप तीस चालीस हज़ार का कोई फैकल्टी उठा के लेके आ जाओ और उससे जो है अपने बच्चों को साल भर पढ़ा लो आर प्रॉपरली हाईली एंड यू नो स्मार्टली परफेक्टली पेड और जब आप किसी भी एम्प्लॉय को परफेक्टली पेड करते हो तो ओबियसली वो भी अपना हंड्रेड आउटपुट स्टूडेंट्स को देते हैं हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पे कंपलसरी है ऐसा नहीं है कि आपको बाहर जाके सिविल एरिया में रहने को मिलेगा तो आप अगर यहाँ के इनरमेंट हो गया है स्टूडेंट हैं तो आपको हॉस्टल कंपलसरी लेना ही पड़ेगा और गर्ल्स और बॉयज़ का अलग अलग हॉस्टल है अब आप, आप... बात करते हैं ए आई एफ डी के यू एस पी यानी की फीचर्स की आप जिस प्रकार से देख सकते हैं स्क्रीन पे ए आई एफ डी के जो टीम होती है वो कंटिन्यूसली किसी न किसी इवेंट्स में या फिर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करती रहती है और वहाँ पर कुछ ना कुछ प्राइजेस जीतती रहती है तो ए आई एफ डी को इंडिया के अंदर टॉप तो फाइव फैशन इंस्टीट्यूट में इंक्लूड किया गया है सो एज यू कैन सी दिस इज नॉट अ स्मॉल नेम एक्चुअली इट्स अ वेरी बिग नेम इसके अलावा नेशनल लेवल पर इन्होंने बहुत बार फर्स्ट प्राइजेस जीत रखे हैं इनके बच्चों ने और इंटर कॉलेजिएट लेवल जो कॉम्पिटिशन होते रहते हैं उनमें वो पार्टिसिपेट तो करते ही करते हैं उसके अलावा दे विन द यू नो पोजिशन ऑल्सो देयर और ये कुछ फीचर्स हैं कैंपस के अंदर के तो जिस प्रकार से कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट क्या करते हैं वो आपको फीचर्स का फोटोग्राफ दिखाते हैं बट एक्चुअली दोज़ फीचर्स या दोज लैब्स या फिर दोज रूम्स आर नेवर प्रेजेंट इन दिया कॉलेजेस तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो सारे लैब्स वो लोग डिक्लेयर करते हैं जिन जिन लैब की जरूरत होती है आपको फैशन डिजाइनिंग करने के लिए वो सारे लैब इस स्कूल के पास अवेलेबल है टाइम टू तो टाइम स्टूडेंट्स का जो इंट्रेक्शन होता है वो वीवर्स के साथ या फिर जो हैंडीक्राफ्ट मेकर के साथ जो आ, क्लॉथ मेकर्स हैं फैब्रिक प्रिंटर्स हैं फैब्रिक डिजाइनर्स हैं उनके साथ किया जाता है सो so दैट बच्चे का एक्सपोजर अच्छा हो सके ये इनका पैटर्न मेकिंग लैब है और विजुअल मर्चेंडाइज मर्चेंडाइजिंग लैब है जिसकी विजिट टाइम टू टाइम बोर्ड ऑफ मेंबर्स कर सकते हैं सो दैट उसकी स्टैंडर्ड बना रहे इसके अलावा बाहर की इंडस्ट्रीज से जो है एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है जो यहाँ के स्टूडेंट्स को आ, इवेलुएट uh, करते रहते हैं टाइम टू टाइम और यहाँ के स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाता है सो दैट दे कैन शो केस दिया यू नो डिज़ाइंस और यहाँ के जो मॉडल्स हैं वो भी कंटिन्यूसली किसी न किसी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करके अपने ड्रेसेस को अपने डिज़ाइंस को डिस्प्ले करते रहते हैं और जो विनर्स होते हैं उनको भी उनका इन्हांसमेंट करने के लिए उनका अपलिफ्टमेंट करने के लिए उनका मोराल बूस्ट करने के लिए टाइम टू टाइम उनको प्राइजेस भी दिए जाते हैं ए की जो लाइब्रेरी है वो बहुत ही रिनाउंड लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारे जिससे बुक्स हैं फैशन टेक्सटाइल से रिलेटेड अपैरल से रिलेटेड कंप्यूटर मैनेजमेंट से रिलेटेड बुक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे थ्री थाउजेंड प्लस बुक्स इस लाइब्रेरी में अवेलेबल e है फाइव थाउजेंड प्लस ई जर्नल्स हैं सिक्स हंड्रेड मैगजींस हैं ऑन फैशन एंड डिजाइंस जो मोर देन वन हंड्रेड कंट्रीज के जो रेपटेड मैगजीन्स हैं उनसे ये लोग टाइप हैं इसके अलावा वाईफाई की सुविधा अवेलेबल है रिप्रोग्राफिक एंड स्कैनिंग फैसिलिटीज आल्सो अवेलेबल हियर टाइम टू टाइम वर्कशॉप भी कंडक्ट किए जाते हैं ए के अंदर सो so दैट बच्चों को बहुत ही अच्छे से एक्सपोजर मिल सके तो दिस इज़ वन पिक्चर एंड वन शॉट ऑफ वन वेरी फैशन फोटोग्राफर वेर द स्टूडेंट आर टेकिंग द बेनिफिट्स ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ दीज गेस्ट विजिटर्स सो एजू कैन सी वेरियस लैब्स आर ऑल्सो अवेलेबल एंड द फैसिलिटी ऑफ द लैब इज ऑल्सो एवेलेबल विद इन द कैम्पस विच आर रिक्वायर्ड फॉर यू नो कम्प्लीटिंग योर थ्री ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन इन फैशन डिजाइनिंग दो आर कैड लैब आई टी लैब क्वालिटी कंट्रोल लैब सिविंग लैब डाइंग एंड फिनिशिंग लैब विजुअल मर्चेंडाइजिंग लैब फैशन फोटोग्राफी लैब एंड ऑल द लैब्स आर ओपन ऑन डिमांड फ्रॉम मॉर्निंग नाइन टू लेट नाइट नाइन पी एम इसके अलावा कैफेटेरिया की सुविधा भी अवेलेबल है कैंपस के अंदर जहाँ पर बहुत ही रीजनेबल और नॉमिनल चार्जेस पे बच्चों को फूड और अच्छा फूड सर्व किया जाता है स्पोर्ट्स फैसिलिटी अवेलेबल है कैंपस के अंदर इंडोर और आउटडोर दोनों प्रकार के स्पोर्ट्स की फैसिलिटी वन कैन गेट ओवर हियर और ये प्लेसमेंट चार्ट है तो ये टू ऑनवर्ड्स है जितने स्टूडेंट इनके इनरोल होते हैं ऐसा नहीं कि आप साठ की वैकेंसी लेके रखते हो गवर्नमेंट से परमिशन लेते हो उसके बाद जो है आप उसमें तीन बच्चे इनरोल कर देते हो तो ओबियसली उसमें से करीबन ऊपर के आठ या दस बच्चे ही आप उनको प्लेसमेंट कर पाते हो तो इनके जो स्टूडेंट का इंटेक है दैट इज सिक्सटी पर ईयर तो सिक्सटी बच्चों का पूरा जो प्लेसमेंट है दैट इज हंड्रेड परसेंट प्लेसमेंट दे गेट और दीज आर द वेरियस कंपनीज विच आर टाइड विद दिस इंस्टीट्यूट। इंडिया के अंदर एब्रॉड में है ना दोनों जगह ओवरसीज में भी दो स्टूडेंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट दे आर वर्किंग एट वेरी गुड पोजीशंस ये कुछ ग्लिम्स हैं इस इंस्टीट्यूट की विच कैन यू नो मेक यू फील दैट हाउ द लाइफ इज इंजॉइंग ओवर देयर इन द आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइनिंग कॉलेज दैट इज सिचुएट इन बैगलोर डिसाइड दिस यू नो दिस जिम फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल एंड द जिम फॉर बॉयज एंड गर्ल्स सेपरेट जिम आर लोकेटेड ओवर देयर एंड नाउ द फिजिकल एड्रेस ऑफ दिस इंस्टीट्यूट इज ऑफिशियल वेबसाइट पहले आप देख लीजिए दैट इज डब्ल्यू 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 डॉट ए आई एफ डी ओ एन एल आई एन ई डॉट इन है उसके अलावा डब्ल्यू 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 डॉट ए डब्बू एस ई ए डब्बल्यू ई एस इंडिया डॉट कॉम दिस इज़ ऑलसो वन एडिशनल वेबसाइट फ्राम वेर यू कैन गेट ऑल यू नो इनटेक एंड ऑल द इंफॉमेशन एंड ई ब्रोशियर ऑफ़ दिस इंस्टीट्यूट और इनका फिजिकल एंट्रेस है नागेश्वरा नागिन हल्ली कोथान पोस्ट बेंगलुरु कर्नाटका फ़ाइव सिक्स ज़ीरो जीरो सेवन सेवन टेलीफोन है ज़ीरो एट ज़ीरो सिक्स जीरो सिक्स सिक्स नाइन जीरो ज़ीरो वन और एक और नंबर है जीरो जीरो टू ई मेल है ए आई एफ डी एट द रेट ए डब्ल्यूस इंडिया डॉट ई डी यू डॉट इन दैट्स इट फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल दैट इज एजुकेशन